हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का जो है एपी यानी समांतर श्रेढ़ी का जो है एक्सरसाइज 4A देखेंगे। कितना देखेंगे? 4A देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेढ़ी है। समांतर श्रेढ़ी होने की दशा में आगे के तीन पद निकालिए। कह रहा है कि अगर ये समांतर श्रेढ़ी है तो आगे का तीन पद भी निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेढ़ी जो है ज्ञात करने के लिए हमें जो है पदांतर पता होना चाहिए। अगर पदांतर सेम है तो वो समांतर श्रेढ़ी में है, अगर पदांतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेढ़ी में नहीं है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो पदांतर का जो फॉर्मूला होता है, डी पदांतर को डी के द्वारा सूचित करते हैं, वो होता है T2 - T1। यानी हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे पदांतर निकाल लेते हैं। तो T2 निकालिएगा, तो T2 कितना हो जाएगा, ये आपका T1 हो जाएगा, ये T2 और ये T3 और ये T4 और इसी प्रकार से ये T5 और आएगा तो T6 T7 हो जाएगा। तो देखिए T2 कितना हो जाएगा, T2 आपका 4 हो जाएगा और T1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इससे माइनस कर लीजिएगा तो ये 2 आएगा। अगला कीजिएगा तो अगला हो जाएगा T3 और -T2। तो देखिए T3 कितना है, तो T3 8 है और ये माइनस का 4 हो जाएगा तो 4 आ रहा है। क्या ये पदांतर सेम है? देखिए यहाँ निकला है 2 और यहाँ निकला 4, क्या पदांतर सेम है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे यह AP में नहीं है। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है -10, -6, -2 और 2, क्या ये एपी में है? तो पहले इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये एक का जो है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया -10, -6, -2 और 2। अच्छा देखिए, ऊपर देखे हैं कि ये क्या है, T1, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा। इसके लिए घबराना नहीं है, कहीं कहीं जो है आपको A1, A2, A3, A4 भी लिख देता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पदांतर निकाल लीजिए, तो T2 और माइनस क्या हो जाएगा, T1। तो देखिए T2 कितना है, माइनस का 6 है, हम माइनस कर रहे हैं, T1 कितना है, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर कीजिए T3 और माइनस का T2, T3 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस करना है, और T2 कितना है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। देखिए पदांतर क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इसका पदांतर 4 हो गया। तो ये क्या एपी में है, हाँ तो इसे लिखना होगा एपी में है। अगर एपी में है तो कह दिया कि आगे का 4 पद निकाल के दिखाइए। तो देखिए 4 पद, तो आगे का लिखिए, ऐसे लिखेंगे एपी के 3 पद कहा है, तो यहाँ लिखेंगे एपी के 3 पद। तो 3 पद निकालने का फार्मूला क्या है, तो देखिए इसमें जो है लास्ट का एक ये पद तो पता ही है, तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस डी कर देंगे, तो मिल जाएगा A+D, A+2D, A+3D। तो ये क्या निकल जाएगा, आगे का पद निकल जाएगा। तो देखिए ए इसे मानिए, चूंकि इसे मानिएगा तो यहाँ तक तो निकला ही है, 3 पद तो 4 पद तो मालूम है आपको, तो इससे आगे का निकालना है ना, तो इससे आगे का निकालने के लिए इसे आप ए मानिए, तो ये 2 हो जाएगा। और डी कितना है, डी निकला है 4, तो यहाँ डालिए 4, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2, और डी भी पता है ना 4, तो 4 डाल लीजिए, और ए पता है 2, आप प्लस ये 3 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 4 दुना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और कॉमा 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। देखिए इससे जो है आगे का जो है, इससे आगे का जो है 3 पद निकल गया, 6, 10 और 14, यानी ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये जो है तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है, क्या ये एपी में है, अगर एपी में होगा तभी तो आगे का 3 पद निकालेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले डी निकालिए, तो डी क्या होगा, T2 और -T1 हो जाएगा, T2 ये 25 हो जाएगा, तो 25 -1 कर दीजिए तो कितना हो गया, 24 हो गया,
फिर जो है टी थ्री और माइनस टी टू करना होगा, तो टी थ्री कितना हो जाएगा, ये हो गया टी वन, टी टू और टी थ्री हो गया 49, और माइनस टी टू कितना हो गया, तो 25 हो गया, 25 माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 जाएगा कितना, 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। देखिए ये जो है समान समान आ रहा है, तो ये क्या होगा, ए पी में होगा, यानी इसका पदांतर जो है कितना निकल गया, 24 निकल गया। अगर ये है तो आपको क्या करना है, आगे का तीन पद निकालना है, तो ये तो ए पी में है तो आगे का तीन पद, तो यहाँ लिखिए ए पी के तीन पद, आगे का तीन पद निकालते हैं, तो फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, तीन पद निकल जाएगा। तो देखिए ए किसे लेंगे, इस 73 को लीजिएगा, चूंकि इसे ले लीजिएगा तो यही तीन निकल जाएगा, लेकिन ये तो दे दिया तो इससे आगे का निकालिएगा ना, तो देखिए यहाँ ए हो गया 73 और प्लस डी कितना है, 24 है, तो लिखिए 24 कॉमा, ये हो जाएगा 73 प्लस 2 इंटू 24 कॉमा, ए हो जाएगा आपका 73 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 24। अब इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 7 और 2 9 हो जाएगा, इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 73 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 कॉमा, ये हो जाएगा 73 और इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 2 6 72 हो जाएगा, इसे जोड़ लीजिए तो ये 97 हो जाएगा, और इसे जोड़िएगा तो 8 और 3 11 का एक हासिल एक हो जाएगा, 5 और 7 5 12 121 हो जाएगा, और इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा, यानी 145। यानी अगला पद जो हो जाएगा 97 121 और 145, ये आगे का तीन पद निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए चौथा क्वेश्चन जो है एक का चौथा इस प्रकार से दे दिया, तो ये टी वन हो गया, ये टी टू हो गया, और ये आपका टी थ्री और ये टी फोर हो गया। तो सबसे पहले डी निकालिए, डी अगर बराबर आता है तो ए पी में होगा, नहीं आता है नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा टी टू और माइनस टी वन, तो टी टू कितना हो जाएगा 0.22 और माइनस टी वन हो जाएगा 0.2। तो देखिए इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसे माइनस करेंगे तो ये 2 0 और पॉइंट कितना हो जाएगा 0। अब फिर नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट टी थ्री और माइनस का टी टू कीजिएगा, तो टी थ्री है आपके पास 0.22 और माइनस ये हो जाएगा 0.22, तो इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। देखिए क्या इसका जो पदांतर है बराबर आ रहा है सभी जगह, नहीं आ रहा है, यहां दो पॉइंट के बाद दो अंक के बाद दशमलव था, यहां तीन अंक के बाद हो गया, इसका मतलब इसका जो पदांतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो यह क्या होगा एपी में नहीं होगा, तो इसे लिखिए एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो क्या इसका तीन पद निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए पांच नंबर क्वेश्चन, एक का पांचवा, देखिए एक का पांचवा जो है इस प्रकार से दिया, तो सबसे पहले हमें पदांतर चेक करना होगा, यानी डी निकालिए तो हो जाएगा टी टू और माइनस टी वन इज इक्वल टू टी टू कितना हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो रूट थ्री हो जाएगा। क्या इसे माइनस कर पाइएगा, तो यहीं इतना ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा टी थ्री और माइनस टी टू हो जाएगा, टी थ्री कितना हो जाएगा रूट अंडर नाइन हो जाएगा, और टी टू हो जाएगा रूट अंडर सिक्स, यानी ये क्या होगा बराबर जो है इसका पदांतर नहीं आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि यह जो है एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसका क्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए इसका जो है एक का छठा क्वेश्चन, एक का छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक का जो छठा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पदांतर निकालना होगा, तो निकाल लीजिए टी टू और माइनस टी वन, तो टी टू कितना हो जाएगा, तो टी टू जो है आपका 59 हो जाएगा और टी वन जो है 51 हो जाएगा, तो 51 डालिए, माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। फिर कीजिएगा टी थ्री और माइनस टी टू, तो टी थ्री कौन सा हो जाएगा, तो टी थ्री जो है आपका 67 हो जाएगा और टी टू कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा, इसे माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये भी जो है 8 आ जाएगा। तो देखिए इसका पदांतर जो है क्या है, बराबर आ रहा है कि नहीं, 8 आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है एपी में है। अगर एपी में है तो एपी का तीन पद निकालना होगा, तो एपी का तीन पद, तो तीन पद निकालिएगा, तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, तो ए कितना है, तो ए जो है आपका 75 हो जाएगा और डी कितना है 8 है, तो 8 डालिए, ए हो जाएगा 75 और 2 और डी कितना है 8 है, तो यहाँ 8 डालेंगे, फिर ए हो जाएगा 75 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये इसे ऐड कीजिएगा तो 80 और 3 83 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 और प्लस का 16, ये हो जाएगा 75 प्लस
24 ऐड कर लीजिए तो ये 83 हो जाएगा, और इसे कीजिएगा तो 6 5 11 2 और 7 9 हो जाएगा 91, और इसे कीजिएगा तो 5 4 9 और 9 99 हो जाएगा, यानी आगे का तीन पद हुआ 83 91 और 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेढ़ी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर श्रेढ़ी में है तो इसका क्या होगा, अगर समांतर मान लीजिए कि ये जो है AP में है, कौन कौन सा टर्म दिया, तो दिया है x प्लस 2, 3x, 4x और प्लस 1। अगर ये AP में होगा तो क्या होगा, तो अगर AP में होगा तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा t2 - t1 इक्वल टू हो जाएगा t3 - t2 हो जाएगा। क्या बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि AP में है तो पदांतर बराबर होना चाहिए। तो t2 कितना है, 3x है, और t1 कितना है, तो t1 है x प्लस का 2, और t3 कितना है, तो t3 हो गया आपका 4x प्लस 1, तो यहाँ लिखिए 4x प्लस 1, और t2 जो है वो कितना है, तो t2 आपका 3x है, तो रखिए 3x। क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ जो है 3x रखिए, इस माइनस से इसमें माइनस कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4x में से 3x को माइनस कीजिएगा तो कितना x बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस का 1 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 3x में से 1x को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस 2 है तो 2 रहने दीजिए, इधर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रहने दीजिए। अब देखिए जो समान जाति का होता है उसे क्या करते हैं, जब भी शादी होता है तो क्या होता है, समान जाति में होता है, तो इसी प्रकार से जो है x को इधर ले आइए, समान जाति के पास ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर है 1 तो इसको भेज दीजिए उस साइड, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ जो है 2x में से 1x को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर जो है 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेढ़ी के तीन क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है तो x का मान अभिकलित कीजिए। तो यहाँ भी क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये जो है आपका 2 का पहला क्वेश्चन था और ये 2 का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, तो ये तीन पद दे दिया, एक है 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये करेंगे t2 और -t1 इज इक्वल टू t3 - t2 कर लीजिए। तो t2 कितना हो जाएगा, t2 है आपका 5x + 1 माइनस t1 कितना है, तो t1 है 2x + 3 इज इक्वल टू t3 कितना है, तो t3 है 6x + 3 माइनस t2 कितना है, तो t2 दिया 5x + 1 तो डाल दीजिए। अब देखिए इसे माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5x + 1, ये माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और ये भी होगा माइनस का 3। अब इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x + 3, और ये माइनस से प्लस में गुना करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी माइनस का 5x हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसे जो है माइनस कर लीजिए, जो घटने वाला है घटा लीजिए, 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x, और ये 1x, 1 जो है प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 3 में से 1 घटा लीजिएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर जो है 6 में से 5 जाएगा तो कितना, x बचेगा, और 3 प्लस में है 1 माइनस में, तो 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ जो है x वाले को एक साइड ले आइए, तो 3x ये प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो रहने दीजिए, ये माइनस में है इस साइड ले जाइए प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसे, तो ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये 2 दोना का 4 कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेढ़ी के तीन क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2009 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन है, तो सेम बनाइए। देखिए पहला कह दिया कि AP में है, तो अगर AP में है कौन कौन सा पद है, तो एक है 4/5, a है और 2। अगर ये AP में होगा तो t2 - t1 और t3 - t
टू जो है समान होगा, पदांतर क्या होगा बराबर होगा, तो बराबर कर दीजिए। देखिए टी टू कितना है, तो टी टू आपके पास ए है, और टी वन कितना है, तो चार बट्टा का पाँच है, इज कॉल टू टी थ्री कितना है, टू है, और माइनस टी टू कितना है, तो ए है, कर दीजिए। अब देखिए यहाँ जो a माइनस में है, इस साइड ले आइएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस a हो जाएगा, इधर 2 है ये माइनस में है, इस साइड ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए, ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा कि नहीं, तो 5 हो जाएगा। अब 5 टू जा 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 2a इज इक्वल टू 14, और बाई कितना हो जाएगा 5। देखिए दो गुना में है, तो दो यदि गुना में है तो इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा a, और इधर पहले से 14/5 है, तो ये दो गुना में है, तो इस साइड ले आइए, तो भाग में चलाया और ये कट गया 7/7 में, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, तो a का वैल्यू निकल गया 7/5, कितना निकला 7/5, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि a कॉमा 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - ac बराबर a माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, तो देखिए सबसे पहले कह दिया है कि ये क्या है, तो ap में है, तो ap में जब कह दिया तो ap का ही रूल लगाएंगे। तो देखिए तीन का पहला है, कह दिया कि ap में है, AP में क्या क्या है, तो A है, 2B है, और कॉमा क्या है, C है, ये AP में है। तो अगर AP में है तो हम इसे कर सकते हैं कि अगर दूसरे पद में से पहला पद और तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो समान होना चाहिए, क्योंकि पदांतर सेम होगा तब ये AP में होगा। तो T2 और माइनस क्या करेंगे, T1 करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पदांतर आप ऐसे ही निकालते हैं, और ये करेंगे T3 और माइनस का T2। देखिए अब T2 कितना है, 2B है, तो यहाँ रखिए 2B, और T1 कितना है, A है, तो रखिए ना AB, A रख लिए। अब देखिए T3 कितना है, C है, और T2 कितना है, 2B है, तो 2B रख लिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो जिधर का है उधर कर दीजिए, देखिए B इधर है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 2B, और माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, और इधर C पहले से है और ये माइनस में है, तो इधर ले आइए ना प्लस में, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4B, अब बराबर क्या हो जाएगा, C + A। अब देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है 4 × 4b² - ac बराबर a माइनस सी। अब जरा दिमाग लगाइए, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं, 16b² हो जाएगा। तो क्या इसे हम 16 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4b है तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c + a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 और b² इधर जो है a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए ना, तो क्या तोड़ सकते हैं, a² मतलब c² प्लस 2a, मतलब क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और b मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर आना चाहिए, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² यही होता है ना स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ से देख के बैठा देंगे, तो देखिए a² हो गया c, और 2a कितना हो गया, c, अब b हो गया a, अब + b² मतलब क्या, b के जगह a है, तो a का स्क्वायर कर दीजिए ना, कर दिए। अब देखिए अगर हम इसमें कुछ अपने मन से ऐड कर दें, तो देखिए सबसे पहले ऐड क्या करेंगे, तो यहाँ 16b² अगर यहाँ हम लिख दें माइनस में 4ac बराबर c² + 2ca अब + a², तो अभी तो यहाँ आपको बहुत अजूबा हो गया होगा कि यहाँ पे 4ac अपने मन से कैसे कर दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए हम इधर भी कर देते हैं, क्या इधर भी 4ac को माइनस कर देते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इधर माइनस में है, इधर ले आइएगा प्लस में, यानी दोनों कट के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर जैसे था वैसा ही हो जाएगा। तो इसे अपने मन से ऐड कर दिए। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है तो ले लीजिए,
यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से चार आ जाएगा ना, इसमें भी चार है, चार चौका सोलह, और ये भी चार है, चार को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचा, बचा चार बी स्क्वायर और माइनस ए सी, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। और इधर क्या है देखिए, चूंकि हमें सिद्ध जो करना है ना वो इस प्रकार से करना है, तो ऐसे लाने का सोचेंगे, तो देखिए अब इससे पहले लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत, ए को लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, किधरों लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये टू टू सी ए और यहाँ फोर ए सी है, तो बात बराबर है, देखिए ये चार माइनस में और ये दो प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिए चार में से दो को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, दो ही बचेगा ना, अब वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि ज़्यादा वाला माइनस में है, तो टू ए सी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए अगर इसे हम इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 4 बी स्क्वायर और माइनस ए सी। अब इधर क्या, ये किसका फार्मूला है देखिए, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, यही होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा है ना, क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं ए और माइनस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, और इस पे स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसे स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ हमें लाने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी अब बराबर ए माइनस सी स्क्वायर, क्या यही चीज़ आ गया, 4 इंटू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए माइनस सी आ गया, यही चीज़ प्रूव्ड करना था, यहाँ लिखना दीजिए प्रूव्ड, क्या ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन का दूसरा, देखिए तीन का दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि 7 2 a b समांतर श्रेणी में है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए ना, तो क्या करेंगे देखिए, तीन का दूसरा है और मतलब दिया क्या, तो 7 कह दिया, एक 2 कह दिया, a कह दिया और b कह दिया, a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर ये a b का वैल्यू पूछेगा तो ये t2 माइनस t1 बराबर t3 और माइनस क्या होना चाहिए, t2 अब बराबर क्या होना चाहिए, t3 और माइनस क्या हो जाना चाहिए, t4 माइनस t3, क्या ये होगा कि नहीं, अगर ap में है तो ये सभी बराबर ही होना चाहिए, चूंकि पदांतर बराबर होता है तो बराबर होना चाहिए। अब देखिए t2 कीजिएगा तो कितना है, 2 है, और t1 कितना है, 7 है, तो 7 लिखिए, t3 कितना है, a है, और t2 कितना है, 2 है, तो 2 रखिए, t4 कितना है, b, और t3 कितना है, a है, तो a रखिए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो a माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b और माइनस का a हो जाएगा। अच्छा देखिए क्या ये जो है इसके बराबर होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा, चूंकि अगर ap में है तो सभी पद जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, तो एक बार इसके बराबर कर दीजिए, तो a माइनस का 2 और बराबर का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू निकल गया कितना, माइनस का 3। अब इसे बराबर कीजिए तो क्या b और माइनस a, क्या ये टर्म जो है इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, देखिए सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर कर दीजिए, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए b और ए का वैल्यू आप निकाल लिए हैं माइनस 3, तो ए के जगह रख दीजिए ना माइनस 3, तो ये माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब बी निकालिएगा तो ये प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा और बी बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए ए का भी वैल्यू निकल गया माइनस का 3 और बी का भी निकल गया माइनस का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, किसका तीसरा देखेंगे, तो तीन का तीसरा, देखिए तीन का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो तीन का तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के समांतर श्रेणी में है, तो इसे जो है सिद्ध करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये तीन का क्या नंबर क्वेश्चन है, तो तीन नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, तो कहा है कि a प्लस सी जो है ए पी में है, किस में है, ए पी में है। चलिए अगर ये ए पी में है तो क्या इसे हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बराबर और t2 माइनस t3,
टी थ्री माइनस टी टू, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी टी टू हो गया बी माइनस का ए बराबर ये टी थ्री हो गया सी माइनस बी, क्या इसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहा कि हमें कहा है कि आप सिद्ध कीजिए ना ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के। तो चलिए सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है ए प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो ये भी क्या होगा इस फॉर्म में होगा कि नहीं, तो टी टू इसका कितना हो जाएगा बी प्लस का के हो जाएगा माइनस टी वन कितना हो जाएगा, तो टी वन जो है ए प्लस का के हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा टी थ्री, तो टी थ्री क्या हो जाएगा सी प्लस के, अब माइनस टी टू कितना हो जाएगा, तो टी टू होगा बी प्लस का के, क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा b प्लस का k माइनस से कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का k, और इधर होगा c प्लस k माइनस का b और माइनस का k। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, क्या k से k कट जाएगा? कटेगा ही कटेगा, ये भी प्लस में है और ये भी माइनस में है, तो क्या ये कट गया? बचा क्या? तो इधर बचा b माइनस a बराबर c माइनस b। देखिए क्या यही चीज आया था ऊपर में, आया था ना, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, यानी ये भी क्या है तो AP में है, यहाँ नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो तीन का चौथा क्वेश्चन है, ये भी जो है आपको सिद्ध करना ही है। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि PQR समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध की करें कि TP प्लस A TQ प्लस A TRA प्लस A समांतर श्रेणी में होगा। तो इसी प्रकार से इसे भी सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले दिया क्या, तो कह दिया है कि P कॉमा क्यू और कॉमा आर जो है ए पी है। अच्छा आपको पता है कि यदि ए पी होगा तो इसका पदांतर सेम होगा, तो टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, तो टी टू कितना है तो पी है क्यू है और टी वन पी है बराबर टी थ्री कितना है आर है और माइनस का क्यू है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि टी पी प्लस ए कॉमा टी क्यू प्लस ए कॉमा टी आर प्लस ए, यही चीज़ सिद्ध करना है। तो अगर सिद्ध करेंगे तो सेम टी टू माइनस टी वन होना चाहिए, तो टी टू कितना है तो ये है टी क्यू प्लस ए, माइनस टी वन करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यू प्लस ए, तो इसे कोष्ट में डालिए बराबर टी थ्री कितना हो जाएगा तो टी आर प्लस ए माइनस टी टू हो जाएगा टी क्यू और प्लस का ए, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर जो है जो प्लस में है इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी क्यू और ये हो जाएगा माइनस का ए इज इक्वल टू टी आर प्लस ए माइनस का टी क्यू और माइनस का ए। देखिए ये प्लस में ए है और ये माइनस में, क्या कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या? तो बचा आपका टी क्यू माइनस, सॉरी यहाँ पर जो है आपका टी पी है और ये आपका टी पी हो जाएगा, तो यहाँ भी टी पी होगा, तो ये हो जाएगा टी क्यू माइनस टी पी इज कॉल टू, यहाँ बचा आपका टी आर माइनस टी पी, क्या यही चीज़ लाना था? देखिए यही चीज़ है Q माइनस पी आर माइनस पी, देखिए Q माइनस पी आर माइनस पी, यानी यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। या फिर यहाँ जो है और एक स्टेप और बढ़ाइएगा, तो एक स्टेप क्या बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कि यहाँ से हम टी टी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, इधर भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा Q माइनस पी और इधर टी लीजिएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस पी, टी से टी खत्म हो जाएगा पी क्यू माइनस पी और आर माइनस पी, यानी ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है देखिए चार का पहला, कहता है कि किसी अनुक्रम का एनवा पद 4n माइनस टू है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो उसका आठवां पद ज्ञात कीजिए। तो आठवां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो देखिए क्या करना है,
क्या क्या दे दिया, कह दिया कि यह एनमा पद है, यानी टी एन वहाँ जो है पद दे दिया, क्या दे दिया तो 4n माइनस का 2 दे दिया। तो चूंकि हमें ये इक्वल जो है मतलब एग्जैक्ट जो है वैल्यू नहीं पता है, तो हम n इज इक्वल टू जो है एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 अपने मन से, जहाँ भी इस प्रकार से रहे आप अपने मन से ले लीजिएगा, n के जगह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 और माइनस का 2, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, फिर 2 रखिए n के जगह तो 4 × 2 और माइनस 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर रखिएगा 3 और माइनस 2 तो ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। तो देखिए क्या इस दोनों के बीच जो है 4 का अंतर है, फिर इस दोनों के बीच 4 का अंतर है, यानी ये क्या है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका आठवां पद बोला निकालने के लिए, तो आठवां पद कैसे निकालिएगा, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट आठवां 8 रखिए n के जगह 8 और माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 और 32 में से 2 को घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी आठवां पद कितना हो गया तो आठवां पद जो है आपका 30 हो जाएगा। तो ये बन गया क्वेश्चन। 4 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए 4 का दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी अनुक्रम का आठवां पद 2r + 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है सातवां पद पूछ रहा है, वहाँ आठवां पद पूछ रहा था, तो यहाँ जो है tr क्या दे दिया, tr जो है ये आपका दे दिया 2r + 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है n बराबर अपने मन से 1, 2, 3 कोई जो है प्राकृत संख्या ले लीजिए, तो यहाँ रखेंगे t1 बराबर तो क्या हो जाएगा 2, 1 और + 3, तो ये 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 और 3 जोड़ लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर करेंगे t2, 2 लेंगे n के जगह तो ये हो जाएगा 2 × 2 और + 3, तो 2 × 2 = 4 और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 3 रखिए तो ये 6 हो जाएगा और प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए इस दोनों के बीच कितना का अंतर 2 का, इसके दोनों के बीच भी 2 का अंतर है, इसका मतलब पदांतर 2 का है, यानी ये क्या है एपी में है। अगर एपी में है तो कह दिया कि सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो सातवां पद ज्ञात कीजिएगा तो 2 और n r की जगह कितना रखेंगे 7 रखेंगे और प्लस कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी सातवां पद कितना हो गया 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी −40, −50, −10, −35 का दसवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है दसवां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो है हमें एपी दे दिया, ये 5 का जो है पहला क्वेश्चन है, तो एपी तो लिख लीजिए, एपी क्या दिया, एपी दे दिया है −40, −15, 10, 35 का कौन सा पद ज्ञात करना है तो दसवां पद। तो देखिए यहाँ ए क्या हो जाएगा, तो ए जो है माइनस का 40 हो जाएगा, और यहाँ डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है t2 − t1, तो देखिए t2 कितना है माइनस का 15 है और t1 कीजिएगा तो माइनस का 40, ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब 40 में से 15 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 3 में से 1 जाएगा कितना 2 बचा, प्लस का 2 बचा। फिर एक और करके देखिए t3 − t2, तो t3 कितना है 10 है और t2 जो है वो कितना है −15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी d कितना हो गया तो 25 हो गया, डी इज कॉल टू 25 हो गया। और हमें कौन सा पद कहा निकालने के लिए, तो हमें कहा दसवां पद, दसवां पद का मतलब n दे दिया कितना, n जो है 10 दे दिया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो tn ज्ञात करना है, यानी nवां पद। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, तो nवां पद का फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ जो है tn, तो n कितना पता है, n जो है 10 पता है, तो यहाँ 10 डाल दीजिए, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू माइनस का 40 है तो −40, प्लस n कितना है, n 10 दिया है तो यहाँ रखिए 10 माइनस 1 और d कितना है 25 है तो यहाँ 25 रखिए। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये माइनस का 40 है तो रखिए माइनस का 40, प्लस देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा और ये 25 है तो 25 रखिए,
अब क्या होगा, माइनस का 40 और 25 में 9 से गुना कर दीजिए तो 9 पच्चे 45 का 5 हो जाएगा 4 और 9 दुना 18 4 22 हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो 225 में से माइनस 40 कीजिएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा और 22 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा, यानी दसवां पद जो है वो कितना होगा तो 185 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, तो 5 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 5 का दूसरा क्या कहता है, तो 5 का दूसरा क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 20 माइनस 20 और सार्वांतर 4 है। तो इसमें दिया क्या सब है, तो इसमें देखिए क्या सब दिया है, जो कह दिया कि आपका 12वां पद का मतलब हुआ कि आपका n दे दिया है, क्या दे दिया है, n दे दिया 12वां पद, और जो दिया है माइनस का 20 वो कह दिया है कि प्रथम पद है तो माइनस का 20, और पदांतर सार्वांतर जो कहा वो कितना दिया 4 दिया। तो अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला जानते हैं एनवा पद का कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए a कितना दिया, a माइनस का 20 तो रखिए माइनस का 20 प्लस, n कितना मालूम है, n मालूम है 12 और माइनस का 1, और d मालूम है कितना 4 है तो 4 रखिए, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये प्लस, 12 में से एक को घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू 4 कर लीजिएगा, 4 कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 और ये हो जाएगा 11 चौके 44, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 44 में से 20 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 का जो है तीसरा क्वेश्चन, 5 में 3 क्वेश्चन दिया गया है तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 का तीसरा कहता है जांचे कि क्या माइनस 50 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद है, यानी ये जो है आपको दे दिया है Tn, तो यहां लिख लीजिए 5 का तीसरा क्वेश्चन है और Tn दिया, Tn दे दिया है माइनस का 150, a कितना हो जाएगा तो a 11 हो जाएगा और d निकालिएगा तो T2 माइनस T1 करना होगा, तो T2 आपके पास 8 है और T2 11 है यानी माइनस का 3 हो जाएगा, तो Tn n निकालना है, n बराबर वाट होगा, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाइएगा nवां पद का। Tn कितना दिया है, माइनस का 150 तो डालिए माइनस का 150, और a जो है वो कितना है तो 11 है तो 11 प्लस, n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 कर दीजिए, और d कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए इधर जो है माइनस का 150 ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस और इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू का माइनस 3 बचेगा, क्या बचेगा कि नहीं, तो देखिए अब इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये कितना हो जाएगा 161 माइनस में, अब ये गुना में है इधर लाइए तो इधर हो जाएगा माइनस का भाग में, इधर क्या बचा एन माइनस वन, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटने वाला है, यानी इसे माइनस को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 161 और बाई 3, ये माइनस में एक है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 161 और एक तिया का 3 हो जाएगा, बट्टा का 3 हो जाएगा बराबर n, ये हो जाएगा आपका 164, कितना हो जाएगा 164 बट्टा का 3 बराबर n, क्या 164 जो है इससे कटेगा, तो देखिए 3 पचे का 15 लगाइएगा, 1 बचा 14, 3 चौके 12, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो है माइनस का 150 इस किसी भी इस एपी का जो है पद नहीं है, तो लिखेंगे माइनस 150 एपी का पद नहीं है, नहीं है, यानी ये क्वेश्चन आपका जो है बन गया।